बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वेलकम टू ड्रीम अचीवर्स बाय मोहम्मद अदनान। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकंड पार्ट ऑफ टॉपिक व्हिच इज रिगार्डिंग टू मोंटेस्क्यू। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने मोंटेस्क्यू सिक्योरिंग लिबर्टी एंड सेपरेशन ऑफ पावर के ऊपर डिस्कस किया था, वो आपको इसी लेक्चर में इसी यहीं पे मिल जाएगा। मैं उनका जो लिंक है वो भी कमेंट बॉक्स में शेयर कर दूंगा। आज हम मोंटेस्क्यू का सेकंड पार्ट देख रहे हैं, दैट इज मोंटेस्क्यू नेचर एंड प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट। मोंटेस्क्यू का जो नेचर एंड प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट है, दैट इज टोटली बेस्ड ऑन नेचुरल लॉज। हमने ऑलरेडी तीन वेस्टर्न फिलोसफर्स को अकॉर्डिंग टू नेचुरल लॉज में डिस्कस किया, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक एंड रोसो, जो नेचर की बात करते रहे हैं। तो मोंटेस्क्यू को भी हम रिगार्डिंग वहीं से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो मोंटेस्क्यू कहते हैं, बाय द नेचर ऑफ गवर्नमेंट मोंटेस्क्यू मीन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फाउंड इन सिविल सोसाइटी। कि सिविल सोसाइटी के अंदर जो लॉज हैं या जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो कौन सी होनी चाहिए, दैट इज रिगार्डिंग नेचर ऑफ द गवर्नमेंट। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट का क्या मतलब है, दैट इज दैट सोसाइटी इज वो प्रिंसिपल जिससे सोसाइटी मोटिवेटेड होती है, जिससे सोसाइटी इंटीग्रेट होती है, उन्हें कहते हैं प्रिंसिपल्स। इनकी बेस के ऊपर मोंटेस्क्यू गिव सर्टेन लॉज that are appropriate to both nature and principle of government, and Montesquieu devoted much attention to these problems. इसकी बेस के ऊपर जो है Montesquieu कुछ लॉज देते हैं और वो लॉज एट द सेम टाइम नेचर एंड प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट्स के अकॉर्डिंग हैं। इससे पहले लॉज को पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट मोंटेस्क्यू वांट्स। मोंटेस्क्यू थ्री टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं, वन इज रिपब्लिकन, सेकंड इज मोनार्की, थर्ड इज डेस्पोटिज्म। हम वन बाय वन इन तीनों फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। फर्स्टली हम आते हैं रिपब्लिकन के ऊपर। रिपब्लिकन बेसिकली होता क्या है, इन अ रिपब्लिकन ऑल और सम ऑफ पीपल गवर्न, जिसमें कुछ ज्यादा लोग जो है वो गवर्न करते हैं। अकॉर्डिंग टू मोंटेस्क्यू रिपब्लिकन टू टाइप्स की होती है, वन इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सेकंड इज अरिस्टोक्रेटिक रिपब्लिक। अब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सच टाइप ऑफ रिपब्लिक इन विच ऑल गवर्न्स, एंड अरिस्टोक्रेटिक टाइप ऑफ रिपब्लिक इज दैट टाइप ऑफ रिपब्लिक इन विच फ्यू पीपल गवर्न, जहां पे ज्यादा गवर्न करते हैं, सबकी बात सुने, इस सोसाइटी के अंदर हर इंडिविजुअल की बात सुनी जाती है, दैट इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और ऐसी सोसाइटी जिसमें कुछ लोगों की बात सुनी जाती है, दैट इज अरिस्टोक्रेटिक रिपब्लिक। इसके ऊपर अरिस्टोक्रेट मोंटेस्क्यू कहते हैं, द मैटर ऑफ हु इज टू गवर्न, अब ये डिपेंड क्या करता है, ये डिपेंड करता है लोगों के ऊपर और उनको दी जाने वाली सर्विसेज के ऊपर। अगर हर इंडिविजुअल की आवाज सुनी जा रही है और हर इंडिविजुअल एजुकेटेड है एंड दे नो ऑल फैक्ट एंड फिगर्स, प्रोस एंड कॉन्स रिगार्डिंग डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड अरिस्टोक्रेटिक रिपब्लिक, तो उसके ऊपर किसी भी इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के डिपेंड करता है कि रो रिपब्लिकन किस तरह होगी। अब इस पे मोंटेस्क्यू कहते हैं, रिग्लेक्ट इन दिस रिगार्ड वाज वन ऑफ द प्रिंसिपल कॉजेज द डाउनफॉल ऑफ एम्पायर। मोंटेस्क्यू कहते हैं कि ये जो दो टू टाइप्स ऑफ रिपब्लिकन हम बात कर रहे हैं, वन इज अरिस्टोक्रेटिक रिपब्लिक रिपब्लिकन, सेकंड इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन, तो सोसाइटी पे डिपेंड करता है कि सोसाइटी के ऊपर किस तरह की गवर्नमेंट हो सकती है। रोमन एम्पायर ने इसी चीज के ऊपर जो है कंसंट्रेट नहीं किया था और उन्होंने लोगों की विल एंड अकॉर्डिंग टू सोसाइटी
सोसाइटी के जो रिगार्डिंग डिजायर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था उसको अप्लाई नहीं किया, जिसकी वजह से उनका डाउनफॉल हुआ। द पीपल ऑफ रिपब्लिक मस्ट हैव द एबिलिटी टू चूज देयर पॉलिटिकल अथॉरिटीज रेदर देन टू रूल डायरेक्टली। डायरेक्टली मोनार्की होता है, उसके हम बात डिस्कस करते हैं। अब जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन कब हो सकती है, या डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन के जो मेजर फैक्टर्स हैं, मेजर डिमांड्स हैं, वो कौन कौन सी होनी चाहिए? वन इज लव ऑफ कंट्री, सेकंड इज इक्वालिटी, थर्ड इज विलिंगनेस टू सबऑर्डिनेट, फोर्थ इज इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, मतलब लोगों के जनरल इंटरेस्ट होने चाहिए, इंडिविजुअल इंटरेस्ट के ऊपर बात नहीं की जाए या इंडिविजुअल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी नहीं दी जाए। और ये हमने रोसो की थ्योरी में भी ये बात की थी। उसके बाद हम अगर अरिस्टोक्रेटिक रिपब्लिकन के ऊपर आ जाए, अब अरिस्टोक्रेटिक रिपब्लिकन क्या होता, किस बारे में कहता है, अरिस्टोक्रेटिक रिपब्लिकन इज ऑल्सो वर्चू, अच्छा हो सकता है, उसके लिए क्या चाहिए, बट सिंस ओनली अ फ्यू गवर्न हेयर वर्चू नीड नॉट टू बी सो वाइड स्प्रेड एज इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। के डेम जो अरिस्टोक्रेटिक रिपब्लिक है जिसमें फ्यू गवर्न करते हैं, ये भी अच्छा हो सकता है, बट इसका ये नेगेटिव पॉइंट है कि जो कम लोग हैं वो गवर्न करते हैं और ज्यादा लोगों के ऊपर गवर्न करते हैं, जिसकी वजह से लॉ की इनएक्टमेंट प्रॉपर नहीं हो सकती। बट इट इज नॉट डिफिकल्ट, द रियल प्रॉब्लम इन अरिस्टोक्रेटी इज फॉर अरिस्टोक्रेटिक इज फॉर नोबल टू रिस्ट्रेन देमसेल्फ। नोबल जो होते हैं, जिस तरह अरिस्टोक्रेसी यूके के अंदर है, यूके के अंदर एट द सेम टाइम थ्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स जो हैं वो चल रही हैं, मोनार्की भी है, अरिस्टोक्रेसी भी है जो उनका अपर हाउस है हाउस ऑफ लॉर्ड, और उसके बाद डेमोक्रेसी भी है जिसको हाउस ऑफ कॉमन का नाम दिया जाता है। तो दोनों में बेहतर है, बट डिपेंड करता है वर्च्यू के ऊपर, और अकॉर्डिंग टू मोंटेस्क्यू जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन है उसके वर्च्यूज ज्यादा हैं, उसके फायदे ज्यादा हैं एज कंपेयर टू अरिस्टोक्रेटिक रिपब्लिक, बट अरिस्टोक्रेटिक रिपब्लिकन इज नॉट अ बैड थिंग अकॉर्डिंग टू मोंटेस्क्यू। उसके बाद हम मोनार्की की बात करते हैं। मोनार्की इज द सिंपल टर्म, द मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ओनली वन रूल बाय फिक्स्ड एंड एस्टेब्लिश्ड लॉज। सिंपल सी बात है कि मोनार्की ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसके अंदर एक सिंपल बंदा जो है, एक ओनली वन पर्सन जो है वो रूल करता है, एंड वो ऑल इन ऑल होता है, लॉज वही बनाता है, लॉज की जजमेंट वही करता है, लॉज को इनेक्टमेंट वही करता है, जितने भी टाइप्स के जो गवर्नमेंट्स जॉब्स होती हैं वो वही उनको सेलेक्ट करता है, इलेक्शन इलेक्ट होने का कोई प्रोसीजर जो है वो नहीं आता। लॉज आर मेड बाय दोज हु हैड अथॉरिटी इन मोनार्की। ठीक है, तो ये सिंपल सा है, बट मोनार्की कैन आल्सो बी द गुड अकॉर्डिंग टू मोंटेस्क्यू, बट ऑन द लिमिटेड बेसिस। उसके बाद डेस्पोटिज्म की बात की जाती है, थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट दैट इज डेस्पोटिज्म। अब डेस्पोटिज्म क्या है, इन द डेस्पोटिज्म वन रूल्स बट डज सो आर्बिट्रेरली। रूल करता है बट वो लॉज को फॉलो नहीं करता। और अगर मैं पाकिस्तान के सिस्टम की बात करूं तो पाकिस्तान के अंदर अरिस्टोक्रेसी की बात की जाती है, पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स की बात की जाती है, बट विद प्रूफ विद लॉजिकल वैलिड रीजंस अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान के अंदर आपको ऑलमोस्ट जो है डेस्पोटिज्म नजर आता है। ठीक है, अब विद द पैसेज विद आगे जो है, जैसे जैसे मैं इस टॉपिक को लेकर चलूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि हाउ वी फील डेस्पोटिज्म इन हाउ आई फील एंड हाउ यू विल फील द डेस्पोटिज्म इन आवर कंट्री, तो ये मैं आपको बताता चलूंगा। तो डेस्पोटिज्म जो है, डेस्पोटिज्म के अंदर लॉ होते हैं, डिफाइंड लॉज होते हैं, बट उन लॉज की जो रिस्ट्रेंड होता है, मतलब उन लॉज की गवर्नेंस जो होती है जिसे रूल बाय लॉ कहते हैं, वो नहीं होता। गवर्नमेंट रूल्स को नहीं मानती, गवर्नमेंट रूल्स को अकॉर्डिंग टू देयर गुडविल,
अकॉर्डिंग टू देयर विल वो उन रूल्स को चेंज कर देते हैं या ऑन सम बेसिस उन रूल्स को एनल कर देते हैं। जुडिशरी की कोई एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होती, जो पीपल होते हैं, जो इंडिविजुअल होता है, उनकी कोई वॉइस नहीं होती। और सबसे मेजर बात, डेस्पोटिज्म जो है वो एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है विच विल इंटेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ फेयर। एंड डेस्पोटिस्टिक अथॉरिटी जो होती है, दे विल गवर्न ऑन द बेसिस ऑफ फेयर। जो फेयर होता है वो नहीं होता, और इसके अंदर अकॉर्डिंग टू मोंटेस्क्यो वर्चू नॉर ऑनर एग्जिस्ट अंडर द डेस्पोटिक। हालांकि मोंटेस्क्यो अरिस्टोक्रेसी के अंदर भी वर्चू देख रहा है, मोनार्की के अंदर भी वर्चू देख लेता है, बट अकॉर्डिंग टू मोंटेस्क्यो डेस्पोटिज्म हैज नो वर्चू नो ऑनर। अब इसके बारे में आप सब समझ सकते हैं कि मैं क्या बातें कर रहा हूँ। करंट सिनेरियो में आपको ये सारी चीजें जो है वो नजर आ रही होंगी। उसके बाद हम देखते हैं लॉज एंड देयर नेचर ऑफ गवर्नमेंट। मोंटेस्क्यो की बुक है दैट इज स्पिरिट ऑफ लॉ विच कॉन्टेन वेरियस काइंड्स ऑफ लॉज एंड इट्स रिलेशनशिप टू ईच ऑफ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स के ऊपर हमने पहले बात कर ली। प्रिंसिपल होता क्या है? बेसिकली प्रिंसिपल होता है जिसकी बेस के ऊपर जो है वो लॉज को रेगुलेट किए जाते हैं। मोंटेस्क्यो हैज द ओपिनियन दैट इफ द लॉज आर अप्रोप्रिएट and a proper spirit is observed in their formulation and application, the stability of society will be preserved. अगर proper laws हैं जो हर individual को security from करते हैं, security of life, security of property, security of economy, सब चीजें जो हैं, security of health, education, every type of security जो है वो देते हैं और लॉज की प्रॉपर इनेक्टमेंट होती है तो सोसाइटी विल बी स्टेबल, अदरवाइज वाइस वर्सा आपको सोसाइटी के अंदर स्टेबिलिटी नजर नहीं आएगी। अब अगर करंट हम अपनी सोसाइटी को डिस्कस करें तो आपको बहुत सारी चीजें जो हैं वो डेंजर एंड कोलैप्स में नजर आएंगी। अब लॉज को हम डिस्कस करते हैं। मोंटेस्क्यो 5 लॉज जो है उनकी इनेक्टमेंट की बात करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ एजुकेशन, सेकेंड लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स, थर्ड सिविल एंड क्रिमिनल लॉज, फोर्थ लॉज ऑफ करप्शन, लास्ट बट नॉट द लिस्ट लॉज ऑफ टेरिटरी। अब मोंटेस्क्यो इन सब लॉज के अंदर जितने भी 3 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उन्होंने बात की, रिपब्लिकन, मोनार्की एंड डेस्पोटिज्म, वो इन तीनों फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स के अंदर आपको बताते हैं कि किस तरह किन में क्या चीजें बताई जाती हैं। अगर हम सबसे पहले लॉज ऑफ एजुकेशन को पढ़ें तो अकॉर्डिंग टू हिम इन लॉज ऑफ एजुकेशन इन डेमोक्रेसी, रिपब्लिकन की बात कर रहे हैं और डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन की बात कर रहे हैं, इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन एजुकेशन मस्ट टीच लव ऑफ द कंट्री, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ रिस्ट्रेंट एंड मैनर्स थ्रू विच दे चूज हु गवर्न्ड them। वो देखते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन के अंदर जो लॉज ऑफ एजुकेशन है, एजुकेशन क्या बताई जाती है, अपने मुल्क से मोहब्बत, लव ऑफ द कंट्री होता है, जनरल इंटरेस्ट की बात की जाती है और उसके बाद बात की जाती है, उनको ये बताया जाता है और उनको ये चॉइस दी जाती है कि वो चूज करें हु विल गवर्न देम। मोनार्की की बात करते हैं, इन मोनार्की एजुकेशन शुड टीच द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट बट इट शुड बी इनलाइटन सेल्फ इंटरेस्ट लीडिंग टुवर्ड द जनरल गुड। मोनार्की के अंदर भी वो कहते हैं कि जनरल गुड की बात की जा सकती है, मोनार्क जो है वो जनरल गुड की तरफ, सेल्फ इंटरेस्ट की बात की होती है, सेल्फ इंटरेस्ट की परसेंटेज ज्यादा है बट सेल्फ इंटरेस्ट से भी जनरल गुड की तरफ मोनार्की में जा सकते हैं। बट इन डेस्पोटिज्म Severity should be taught. Despotism के अंदर laws नहीं होते,
और जो स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट है वो भी अफेक्टिव एंड एफिशिएंट नहीं होता, क्योंकि लॉज को किसी तरीके से भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता। सेकंड, लॉ अकॉर्डिंग टू मॉन्टेस्क्यू इज अ लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स। ना इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन द लॉ शुड बी मेंटेन द इक्वेलिटी ऑफ द पीपल, स्पेशली इकोनॉमिक इक्वेलिटी। जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन है, इनके अंदर जितने भी इंडिविजुअल सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं, एवरी इंडिविजुअल हैज इकोनॉमिक इक्वेलिटी। बट इन अरिस्टोक्रेटिक रिपब्लिकन फ्यू पीपल जो हैं उनको ज़्यादा शेयर दिया जाता है मार्केट का, और जो कम लोग, जो ज़्यादा लोग हैं उनको कम शेयर दिया जाता है। उसके साथ अगर हम देखें मोनार्की का, तो मोनार्की इज नोबेलिटी अकॉर्डिंग टू मोंटेस्क्यू, तो उनके पास जो है वो दौलत ज़्यादा होगी। अब डेस्पोटिज्म की बात की जाए, तो डेस्पोटिज्म में ये होता है कि जो गवर्नमेंट होती है वो अपना लॉज को फॉलो नहीं करती, और लॉज को फॉलो ना करने के बावजूद वो जितना भी गवर्नमेंट का पैसा होता है, वो जो पब्लिक होती है, जो इन सोसाइटल पीपल, सोसाइटी के अंदर पीपल रह रहे होते हैं, उनके ऊपर टैक्स बढ़ाते जाते हैं, और जो गवर्नमेंट है उनकी, क्या वर्ड यूज़ करूँ, उनकी ईजनेस जो है उसको बढ़ाते जाते हैं, उनको ज़्यादा ईजनेस जो है वो दी जाती है। दैट इज़ अ लॉ ऑफ इकोनॉमिक। आप आपको नज़र आता है इन चीज़ों के बारे में कि डेस्पोटिज्म जो है, इट इज़ नेसेसरी टू हैव लार्ज आर्मी। अब इकोनॉमिक्स के अंदर आप एक और चीज़ देखें, लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर अगर डेस्पोटिज्म अगर आपने प्रॉपरली इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना है, इन डेस्पोटिज्म अकॉर्डिंग टू मॉन्टेस्क्यू इट इज़ नेसेसरी टू हैव अ लार्ज आर्मी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पीस। नो डाउट इट विल बी एन इकोनॉमिक बर्डन ऑन पीपल, बट इट इज़ अनअवॉइडेबल। आई थिंक अगर कोई ये लाइन समझ ले और सुन ले तो उसको सारी बात क्लियर हो जाएगी, दैट हाउ आई से दैट डेस्पोटिज्म प्रिवेलिंग इन आवर कंट्री। थर्ड इज सिविल एंड क्रिमिनल लॉज अकॉर्डिंग टू मॉन्टेस्क्यू। जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन होगी उनके जो सिविल एंड क्रिमिनल लॉज होंगे वो बड़े डिटेल्ड एंड वेल डिफाइंड होंगे, और एवरी मैटर्स के ऊपर उनकी डेफिनेशंस जो है वो क्लियर होगी। बट इन मोनार्की जो लॉज हैं उनकी कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो 1 पर्सन है वो ही सारे लॉज इंटैक्ट इनेक्ट एंड जज कर रहा होता है। बट इन डेस्पोटिज्म लॉज होते हैं, बट उन लॉज को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। फोर्थ लॉज ऑफ मॉन्टेस्क्यू, दैट इज अ लॉज ऑफ करप्शन। इन मॉन्टेस्क्यू बुक द स्पिरिट ऑफ लॉ आल्सो डील्स विद करप्शन ऑफ इन वेरियस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अकॉर्डिंग टू मॉन्टेस्क्यू ओपिनियन, जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन है उसके अंदर करप्शन होती है, बट ऑन वेरी लिमिटेड बेसिस। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ द कंट्री एंड जनरल इंटरेस्ट जो है वो करप्शन की इजाज़त नहीं देता, एंड प्रॉपर क्रिमिनल लॉज होते हैं जो उनको इस चीज़ से बचाते हैं। बट इन मोनार्की जो नोबेलिटी होती है या जो वेल्थ होती है वो हेरिडिएट्री होती है, उसकी वजह से भी करप्शन जो है वो होती है, बट आल्सो ऑन द लिमिटेड बेसिस। बट अकॉर्डिंग टू मॉन्टेस्क्यू इन डेस्पोटिज्म करप्शन इज इम्पॉसिबल बिकॉज इट इज ऑलरेडी वेरी करप्ट। जो जो भी गवर्नमेंट होती है वो ऑलरेडी बहुत करप्ट होती है, तो इसलिए करप्शन की बात की ही नहीं जा सकती। उसके बाद हम बात करते हैं फिफ्थ लॉ ऑफ टेरिटरी अकॉर्डिंग टू मॉन्टेस्क्यू। लॉ ऑफ टेरिटरी के अंदर हम अगर तीनों फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें, तो इन रिपब्लिकन द टेरिटरी ऑक्यूपाइड बाय द मेंबर ऑफ सोसाइटी हैज अ वाइटर रिलेशनशिप विद द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अकॉर्डिंग टू मॉन्टेस्क्यू अ रिपब्लिकन डिमांड अ स्मॉल
टेरिटरी। अब स्मॉल टेरिटरी की डिमांड क्यों कहते हैं? इट डिमांड्स एन एग्रीमेंट अमंग द सिटीजंस फॉर देयर कॉमन इंटरेस्ट एंड दिस कॉपरेशन कैन नॉट बी सिक्योर्ड इन लार्ज एरिया वेयर इंटरेस्ट्स आर टू न्यूमेरस एंड टू डाइवर्स। जितनी रिपब्लिकन स्मॉल होगी उतना जो कॉपरेशन है बिटवीन द सिटीजंस एंड द गवर्नमेंट वो ज़्यादा अफेक्टिव एंड एफिशिएंट रहेगी। अकॉर्डिंग टू मोंटेस्क्यू मोनार्की आल्सो नीड मॉडरेट टेरिटरी। क्यों? क्योंकि अगर लार्ज टेरिटरी जो है वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक सिंगल पर्सन रूल कर रहा होता है कम इसके ऊपर, तो अगर टेरिटरी जो है वो बहुत ज़्यादा होगी तो वो टेरिटरी जो है वो एक सिंगल पर्सन जो है प्रॉपरली गवर्न नहीं कर सकेगा और वो गवर्नमेंट जो है वो बेहतर तरीके से नहीं चल सकेगी। आपको मुगल एरिया को देखें तो उसकी टेरिटरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी जिसकी वजह से मोनार्क उसको प्रॉपरली जो है वो हैंडल नहीं कर पाए थे on the last basis। and in despotism की अगर हम बात करें तो despotism के अंदर जो है citizens must be made to fear the central authority, चाहे big territory हो चाहे small territory हो, तो इट मस्ट बी सिटीजन मस्ट मेड अफेयर ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी सो दैट दे विल नॉट रिवोल्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। मोंटेस्क्यू आइडिया कंसर्निंग द रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सटेंट ऑफ टेरिटरी एंड द गवर्नमेंट फॉर्म आर वेल नोन एंड कंसिडरेबली इन्फ्लुएंस्ड दोज हु फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ US यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, क्योंकि US का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर मोंटेस्क्यू का बहुत बड़ा पार्ट है। दैट इज द मोंटेस्क्यू थ्योरी रिगार्डिंग प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट एंड लॉज। इनके बारे में अगर किसी को क्वेश्चन हो तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। नेक्स्ट हम USA के कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।